नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ज़रूरतों को हम कैसे प्राथमिकता दें। प्राथमिकता देने का मतलब ये है कि आप कौन सा काम पहले करेंगे, कौन सा ऐसा काम है जो बाद में कर सकते हैं और कौन सा ऐसे काम है जो आप नहीं करेंगे। तो ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये प्राथमिकता देने की वजह से आप आपके लाइफ के लिए, आपके भविष्य के लिए कोई सेविंग बना पाएंगे। और ये जो सेशन है ये आपके लिए भी सहायक होगा और आपके पेरेंट्स और भी आपके घर में जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल सेशन होगा। तो आपसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि आज की ये जो सेशन है इसमें से आपको जो सीख मिलता है आप अपने घर में जो भी बड़े लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए और आप उनको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बचत लिखा हुआ है। बचत क्या है? बचत वो पैसा है जिसे उस समय के लिए बचाया है जब आपके हमारे पास कोई काम नहीं है या फिर हमारे पास पैसा आने का कोई तरीका नहीं है। जैसे अभी के सामूहिक स्थिति के ऊपर आप एक बार नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा COVID-19 करके एक बीमारी आया है जिसके वजह से पूरा देश में लॉकडाउन शुरू हो गया है और उसके वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनका नौकरी चला गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़ काम करके पैसा कमाते हैं, उनके पास भी कोई काम नहीं है और कुछ लोगों का सैलरी आधा देने लगा, किसी को बहुत कम देने लगा। तो इस वजह से बहुत लोग परेशानी में आ गए हैं। और अगर आपके बारे में आप सोचेंगे, आपको जो पॉकेट मनी पहले मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे जो काम करते हैं आपके लिए भी काम नहीं है और आपने ये देखा है कि जीना बहुत मुश्किल हो गया है और हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो CDK में पहले से पैसा जमा कर रहे थे तो वो बच्चे CDK से पैसा निकाल पा रहे हैं या एडवांस ले रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैसा जमा नहीं कर रहे थे, जो जिनके पास पैसा निकालने के लिए भी नहीं है ना वो एडवांस ले पाएंगे क्योंकि उनके पास 20% जो बोलता है वो नहीं है। तो ये हमें कुछ सिखाता है, पैसा बचत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सिचुएशन कभी भी आ सकता है। अभी इस बार एक बीमारी सब आ गया है पूरा दुनिया में, अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है हम में से कोई बीमार हो जाए और हम काम नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बोलते हैं बचत करना बहुत ज़रूरी है। बचत करने से क्या होता है, ऐसी स्थिति को हम आराम से निपटा देंगे। पैसा बचाने का अलग अलग रास्ता है। एक पहला रास्ता है उसमें से बजट बनाना। बजट बनाने का मतलब यह है आपके जो भी खर्चा होता है वो सब लिखिए, जितना बड़ा अमाउंट हो जितना छोटा अमाउंट हो सब कुछ लिखिए। जैसे बच्चों के लिए स्टेशनरी, स्कूल आने जाना और आप आइसक्रीम, चॉकलेट या फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना, ये सब के लिए आप जो भी खर्चा करते हैं उसको लिखिए। और बड़े लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि घर के लिए जो भी खर्चा करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं या जो भी शॉपिंग करते हैं वो सब आप एक बार लिख लीजिए ताकि महीने के एंड में आपको पता चलेगा आपने कितना कमाया और कितना आपने खर्च किया। और आप जब ख़रीदारी करते हैं घर के लिए पहले एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने से आपको पता चलता है क्या क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, तो पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे कि कितना खर्च करना है। और जब आप राशन खरीदते हैं घर के लिए ये कोशिश कीजिए कि बहुत सारे सामान एक साथ खरीदने का, उससे क्या फ़ायदा होता है, आपका पैसा बच जाता है, आपको थोड़ा कम रेट में मिल जाता है। तो एक दो महीने आप ये काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका महीने में कितना इनकम होता है, आपके पास कितना पैसा आता है और आप कितना खर्च करते हैं। उसके हिसाब से उसमें से एक छोटा सा अमाउंट जितना भी पॉसिबल वो आप सेव कर सकते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए, पहले एक सेविंग बनाने का कोशिश कीजिए और बाकी जितना पैसा है उससे आप पूरा महीना चलाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको महीने में एक बार सैलरी मिलता है तो ये काम करना आसान होगा। अगर नहीं है, आप रोज़ कमाने वाले हैं, तब भी आप इस प्रक्रिया को थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि एक छोटा सा अमाउंट रोज़ के हिसाब से या फिर महीने के हिसाब से आप आपके सेविंग के लिए रखिए। आप ना एक अकाउंट बनाइए, सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए तो आपका सेविंग बन जाए।
सेविंग बनाने का दूसरा तरीका है अच्छा और सस्ता विकल्प खोजना। अक्सर क्या होता है, हमें लगता है कि ब्रांडेड चीज़ें ही अच्छा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ब्रांडेड चीज़ें ही खरीदें। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूंगा, हमारे दुकानों में चाय पत्ती अलग अलग कंपनी का अवेलेबल है। हमें लगता है ज़्यादातर ये टाटा का जो चाय आता है वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन एक लोकल ब्रांड भी आता है जिसका नाम है राधा चाय। अगर आप एक बार पी के देखेंगे तो उनका क्वालिटी उतना ही अच्छा है जितना टाटा का है, और मुझे कभी कभी लगता है ये टाटा से भी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी सस्ता भी है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको सस्ता भी मिल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना, उसका क्वालिटी या गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए, तो ये चीज़ देख के आपको खरीदना चाहिए। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आपको एक ही चीज़ का प्राइस अलग अलग दुकान में पता कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक दुकान में 2 रुपये कम में दे रहे होंगे, या फिर एक दूसरा मार्केट होगा बगल में जहाँ पे सामान और सस्ते में मिल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पता करेंगे तो आप वहाँ से खरीदिए जहाँ से आपको सस्ता मिल सकता है। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे खर्च होता है जो हम नहीं भी कर सकते हैं या उस खर्च हम कम भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो नशा करते हैं, सिगरेट हो सकता है, बीड़ी हो सकता है, शराब हो सकता है, तंबाकू हो सकता है, गुटखा हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो नशे के लिए यूज़ करते हैं। उससे कम करने से या उसको छोड़ देने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे और आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा आपका बहुत सारे पैसा भी बच जाएगा। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जंक फूड खाते हैं। आप लोग CHSC के मेंबर होने के बावजूद भी जंक फूड खाने वाले बच्चे बहुत हैं। इससे भी आपका स्वास्थ्य में भी नुकसान होता है और आपका पैसा भी खत्म हो जाता है। और बाहर के खाना खाना, पार्टियां करना, ये भी हमारे बच्चे करते थे, हमारे मेंबर्स करते थे कोऑपरेटिव के। तो ये सब में आप ध्यान दे सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं या आप इसको ना भी कर सकते हैं, इससे आपका बहुत सारे पैसा बचते हैं। और इस टाइम पे, ये लॉकडाउन के समय पे, हमें पता है हमारा सारा काम फ़ोन से हो रहा है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए आप अपने फ़ोन में कौन सा रिचार्ज प्लान करते हैं। कोई रिचार्ज प्लान है जिसमें आपको रोज़ 3 GB मिलता है, किसी भी कोई ऐसा प्लान भी है जिसमें आपको डेली 1 GB मिलता है। अगर आपका काम डेली 1 GB में हो जाता है तो आपको 3 GB करने का ज़रूरत नहीं है। आप इसके कारण, और अगर आपको क्लास अटेंड करना है और ऐसे सेशन सुनना है, ये सब के लिए 1 GB या 1.GB पर डे काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हो, जैसे आपके गेम्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, आपका बहुत सारा टाइम भी बर्बाद हो जाते हैं और आपका पैसा भी इसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो ये सब ऐसा खर्च है जिसको आप ना भी कर सकते हैं और आप बहुत हद तक कम भी कर सकते हैं। मैं आखिरी पॉइंट बचत करने के लिए ये बोलना चाहूँगा कि घर पर एक गुल्लक होना। अगर आप काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, हो सकता है आप जब शाम को घर आते हैं आपके पॉकेट में बहुत सारे चिल्लर हो सकता है, खुल्ले हो सकता है, तो उसको आप डेली अगर 10 रुपये इस गुल्लक में डालेंगे, उसमें से महीने के अंत तक आपके पास 300 रुपये होंगे। अगर आप उस 300 रुपये को बैंक में डालेंगे, साल भर आप 3600 रुपया इकट्ठा करेंगे। और इसका एक दूसरा काम भी है, जैसे मान लो आप सिगरेट पीते हैं और आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो आप उस पैसा को बचाइए सिगरेट पीने का। एक सिगरेट का पैसा 15 रुपये या 16 रुपये आप इस गुल्लक में डालेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बचत हो सकता है। और बच्चों, आपके लिए आपके सीडी के हैं, ठीक है, और आपके पास जो भी पैसा आता है उसको आप सीडी के में जमा करके आपका सेविंग बना सकते हैं। आप दूसरे बच्चों को भी बोल सकता है जिनके पास सीडी के नहीं है, उनके लिए भी ये गुल्लक एक बहुत अच्छी तरीका है, वो बाद में कहीं और वो जमा कर सकते हैं। उन बच्चों को आप सीडी के में जुड़ने के लिए भी बोल सकते हैं, और बड़े लोग ये पैसा को अपने खाते में इकट्ठा डाल सकते हैं। तो
ये कुछ तरीका है आपके महीने भर का बजट मैनेज करने का और बचत बनाने का। और आगे हम देखेंगे कि हेल्थ के लिए सेविंग क्यों करना है, कैसे करना है। जब हम बचत के बारे में सोचते हैं या हम बचत करते हैं, हम अक्सर हमारे स्वास्थ्य के बारे में भूल जाते हैं। हमारे CHSE के जो बच्चे हैं उनको मालूम है कि स्वास्थ्य के लिए पैसा जमा करना क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। वो बच्चे हर महीने 5 रुपये जमा करते हैं। ये 5 रुपये से वो न्यूट्रिशियस खाना खरीद के खा सकते हैं या कभी कभी हॉस्पिटल जाने का भी काम आ सकता है। ये 5 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सीख देता है। कभी कभी ऐसा होता है, अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जाके हमारा इलाज करें। और आने वाले समय में हमारे देश में हो सकता है सरकारी हॉस्पिटल बहुत कम हो या ना हो और प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा हो, या सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज का आधा पैसा हमें देना पड़े। ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर मान लीजिए हमारे पास सेविंग बना के रखा भी है, तो हमें कोई बीमारी आ गई या कोई एक्सीडेंट आ गया, हमारा सारा सेविंग ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पूरी परिवार की आर्थिक स्थिति को हिला देंगे। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने सुना होगा इंश्योरेंस के बारे में, परिवार स्वास्थ्य बीमा के बारे में सुने होंगे। तो परिवार के सारे मेंबर्स हेल्थ इंश्योरेंस में मेंबर हो सकते हैं, एक ही इंश्योरेंस में मेंबर हो सकता है। हमें हमारे इनकम से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके और हर साल में एक छोटा अमाउंट अगर हम जमा करेंगे, तो ऐसी कोई स्थिति में हमारे परिवार में किसी को भी ऐसे कोई दुर्घटना हुई या कोई बीमारी आ गई, तो उसकी इलाज मुफ्त मुफ्त में हो जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। छोटा मोटा अमाउंट हमें देना पड़ेगा, बाकी सारा इलाज मुफ्त में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था को भी बचा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है एक हेल्थ इंश्योरेंस होना, जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं या फिर हमें लगता है एक वेस्ट है, लेकिन ये कभी एक वेस्ट नहीं है। ये हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखने का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इस सेशन से समझ में आया है और आप इसमें से कुछ कुछ चीज़ें करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जाके आपके पास कुछ सेविंग्स हो और आपके फैमिली को आप बेहतर तरीके से चला पाएँ। ये लॉकडाउन में हमें पता चल गया है कि एक सेविंग होना कितना ज़रूरी है। लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास इतना सेविंग होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई काम नहीं भी है तो हम 3 महीने आराम से चल पाएँ। ये एकदम से नहीं हो पाएगा, ये बहुत टाइम के मेहनत से हम करेंगे। और हमें अक्सर ये लगता है कि ज़्यादा कमाने से हमारा ज़्यादा सेविंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे हम ज़्यादा कमाते हैं वैसे हमारा खर्च भी बढ़ जाता है, तो हमारे खर्च के ऊपर भी कंट्रोल डालना बहुत ज़रूरी है। तो वो कंट्रोल डालने के लिए जो ऊपर मैंने तरीका बताया है उसको अपनाने की कोशिश कीजिए, और आप लोग सब अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।